न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने तथा लॉकडाउन एवं ग्रीष्मकालीन अवधि के खाद्यान्न प्रतिपूर्ति संबंधित बैठक। छात्रों को गुणवत्ता युक्त यूनिफॉर्म का वितरण कराने के दिए निर्देश। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कोरोना सस्पेक्टेड केस की बुधवार की सुबह रिपोर्ट आई पॉजिटिव। युवक को रेलवे अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह सैनिटाइज कराकर 48 घंटे के लिए किया गया बंद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले में प्रस्तावित विभिन्न ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में मंगलवार को देर रात 10 और बुधवार को मिले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 193, जबकि 113 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 8 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस 72। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने वन महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा। वृक्षारोपण के लक्ष्य को 100% पूरा करने के दिए निर्देश। सदर तहसील के कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी शाहपुर ग्राम बैलो थाना पिपराइच एवं महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 स्थित पवन विहार में एक एक व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम सदर ने किया इलाके को सील। किया मौके का निरीक्षण। सावधानी बरतने के दिए निर्देश। भारत और चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने और स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के संबंध में 6 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को किया प्रेषित। फीस माफ करने की मांग। लद्दाख बॉर्डर पर हुए झड़प में भारतीय जवानों की मौत पर आक्रोशित एनएसयूआई एवं युवक कांग्रेस ने चीन के राष्ट्रपति का फूका पुतला एवं जलाया झंडा। किया विरोध प्रदर्शन। और झगहा थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव में 2 पक्षों में हुए मारपीट में एक पक्ष के बुजुर्ग दंपति समेत बेटा बेटी को आई चोटें। जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज।